लुक कितना टेस्ट परफेक्ट, ठंडी ठंडी कुल्फी बनाइए बच्चों को, फैमिली को कुल्फी जायकादार, जो बच्चे तो टूट पड़े खाने। आप अपने किचन में कब बना रहे हैं कमेंट करके बनाइए। चलिए देखते हैं फटाफट रेहाना किचन में किस तरीके से बनता है। फ्रेंड, इस टाइम का मौसम बहुत रंगीन बहुत अच्छा होने वाला है। गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो फटाफट आइसक्रीम कुल्फी ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करता है। तो बाहर जाते हैं तो काफी पैसे खर्च करके हम कुल्फी या ठंडी आइसक्रीम कुछ भी खाते हैं। तो इस रेसिपी को मजेदार बनाने के लिए हम घर पे बनाएंगे परफेक्ट तरीके से, जो एकदम रबड़ी कुल्फी कैसे बनेगा, घर के ही कुछ सामानों से बनते। तो चलिए देखिए रेहाना किचन में किस तरीके से बन रहा है। तो फ्रेंड, जिसके लिए हमने फुल क्रीम 1 लीटर रख लिया, आप उबाला हुआ कच्चा लीजिए, हो सके तो फुल क्रीम या भैंस का दूध जो गाढ़ा होते है उससे बहुत अच्छा रबड़ी कुल्फी बनता है, जो एकदम परफेक्ट होगा। और हमने कुछ फ्रेश मलाई रख लिया है, ये उसी में से 1 लीटर में से मैंने दूध निकाल के रख लिया था। ये कस्टर्ड पाउडर है, मिल्क पाउडर है, चीनी है, इसी चीजों से इतनी परफेक्ट कुल्फी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गैस पे। पहले गैस ऑन करके एक मोटे तले का बर्तन रखेंगे, और दूध से पहले फ्रेंड्स जो दादी नानी का हमारा मम्मी का ट्रिक होता है उसको जरूर फॉलो करेंगे। थोड़ा सा पतीले में हम पानी डाल देंगे, दूध डालने से पहले ये जरूर करिएगा। उसके बाद हमें दूध जितना यूज करना है हम डालेंगे। हम यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिए हैं, तो इसको कच्चा दूध है ये बिल्कुल, तो इसमें हम पानी कुछ नहीं डालेंगे। दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। दूध में एक अच्छा सा उबाल आने लगा है, देख सकते हैं साइड साइड का, इस तरीके से हम कर देंगे ताकि परफेक्ट रबड़ी बनेगी। और इसे हम 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे गैस पे फ्लेम को लो करके, ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए, दूध जब तक आधा ना हो। और इसको हम फ्लेम के दूसरे साइड कर देते हैं रिड्यूस होने के लिए। तब तक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, निर्मल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मोटे तले का बर्तन रखेंगे और खुला रखेंगे, और हमने 1 लीटर के हिसाब से ये है 150 करीब चीनी, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे हमें फैला लेना है, फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, और इसे हमें चम्मच नहीं चलाना है। अभी हम इसको फैला लेते हैं जिससे परफेक्ट एकदम बनेगा। अगर आप चला दोगे ना तो फिर ये जम जाएगा, परफेक्ट कैरेमल नहीं बनेगा। इस तरीके से हम करके छोड़ देंगे। चीनी थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो गई है, तो हमें छेड़ना नहीं, इसी तरीके से करेंगे तो परफेक्ट कैरेमल बन के तैयार होगा। तो देखिए चीनी पिघलना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से पिघल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो हमें छेड़ना नहीं। इस स्टेज पे हमें एकदम तैयार हो जाना है, और इस तरीके से हमें घुमाते रहना है जिससे परफेक्ट हो जाए। हमें स्पून बिल्कुल भूल के भी नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरीके से करना है ताकि चीनी जले ना, बहुत अच्छी कैरामलाइज बन के रेडी हो। तो इस तरीके से हमें करना है, परफेक्ट कलर बन जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतर तरीके से कैरामलाइज हो रहा है, एकदम कलर परफेक्ट आ रहा है। तो इस स्टेज पे फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इस तरीके से साइड साइड से इसको इस तरीके से करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि कलर एकदम लाइट लेके आना है, जला हुआ कलर नहीं होना चाहिए। जब तक चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, तो हमें इसी स्टेज पे इसी तरीके से करते रहना है। परफेक्ट देखिए कलर बेहतरीन हो रहे हैं, पहली बार में आपका भी कैरेमल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान होता है बनाना, कलर कितने परफेक्ट आए हैं देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये बिल्कुल 2 से 3 मिनट हो गया, चीनी एकदम मेल्ट हो गया, और कलर हमें इससे ज्यादा नहीं करना है फ्रेंड। तो ये परफेक्ट हो चुका है, तो हम इसको उतार लेंगे फटाफट दूध में मिक्स करने के लिए। बिल्कुल हॉट गर्म होना चाहिए, फ्लेम लो कर देंगे, और इस तरीके से इसके अंदर हम डाल देंगे। सेफ्टी के साथ डालिएगा ताकि आप जले ना, घुमा के डालना है, फ्लेम को लो करना है, नहीं तो ये तुरंत ऊपर आ जाते हैं। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल आराम आराम से करिएगा, फिर रुक जाइएगा, एक साथ नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से जब हो जाए तो हम फटाफट दूध के अंदर मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स गुठली ना हो, वैसे ये मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा जाने के बाद, और परफेक्ट हो चुका है, तो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, इसे मिक्स हो गया और कलर देख रहे हैं कितना मस्त आया हुआ है।
इसी तरीके से हम लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे और जो हमने दूध रखा है उसको देखते हैं फटाफट। दूध हमने निकाल के रखा था, रूम टेम्परेचर का है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच अपने हिसाब से करिएगा। मैंने 3 चम्मच के करीब इसको रख लिया है। थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे बहुत जबरदस्त रबड़ी दार बनेगी कुल्फी। आप चाहो तो इसके जगह पे आपके पास मावा है, खोवा है, कुछ भी डाल सकते हैं। किसी चीज से आप बनाइए, ऐसा नहीं है, परफेक्ट रबड़ी बनती है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। कैसे देख सकते हैं मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है और हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो एक बार कस्टर्ड पाउडर डाल के देखिए, बहुत बेहतरीन कुल्फी बनती है। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब, लिया भर के 2 चम्मच के करीब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एक बार डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत आप मार्केट का भूल जाएंगे। बार बार इसी तरीके के बनाएंगे, बच्चे एक बार आपके हाथ का खा लेंगे तो वो तो डिमांड करते ही रहेंगे। तो जरूर बनाइएगा, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। कहीं मैं ज्यादा बकवास तो नहीं करती हूँ, तो प्लीज मैं अपने को थोड़ा सा कम कर दूंगी। आप प्लीज इस चीज को जरूर बताइएगा कि मेरा बोलने का अंदाज आपको कैसा लगता है। तो ये भी परफेक्ट मिक्स हो चुका है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे है ये फ्रेश मलाई, तो हम फ्रेश मलाई भी ले लेंगे। एक बार रबड़ी में जरूर डाल के बनाइए। तो इस तरीके से हम इसको भी मिक्स कर देंगे इसी स्टेज पे। तो दूध हमारा रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा नॉर्मल गर्म है, गुनगुना, तो अच्छे से सारे मिक्स हो जाते हैं। ठंडे दूध में जल्दी से मिक्स नहीं होंगे, आपको भी पता है। ये परफेक्ट हो गया है, थोड़े थोड़े मलाई हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब गर्म होंगे तो अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। तो इसको हम चलते हैं फटाफट मिक्स करने। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स या गुठली बन जाएगा। फ्लेम को हम लो रखेंगे एकदम, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से करना है, तो परफेक्टली एकदम आपकी रबड़ी कुल्फी बन के एकदम रेडी हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। आप खुद कहेंगे कि हाँ, इतनी परफेक्ट कैसे बनी है, और बिल्कुल सस्ते में ही बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया, कोई लम्स कोई गुठली भी नहीं है, और परफेक्ट कुल्फी का कलर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम 3 से 4 मिनट तक इसको करेंगे। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है फ्रेंड, वो इसको बहुत टेस्टी कोई फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स डालेंगे, जो आप देखिए। छोटे छोटे पीसों में ड्राई फ्रूट काट करके रख लिया है, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। एक बार डालिएगा, बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने डाल दिया इसके अंदर। इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाएगा। 4 बूंद रोज वाटर अच्छे से मिक्स करेंगे, और 4 से 5 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे, ताकि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए अच्छे से। लगातार इसमें चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि कोई लम्स या गुठली ना बने। तो इसी तरीके से हमें करते रहना है। एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड, जो इलायची और रोज वाटर डाले हैं हम ड्राई फ्रूट, इतनी अच्छी आ रही है, देख सकते हैं। और गाढ़ा भी होने लगा है, और मैंने लगातार फ्रेंड्स यहाँ पे इसको चलाया है। आप भी अगर मिक्सर यूज नहीं करना चाहते हैं, बीटर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इसका कुल्फी का एक और राज है कि बिना मिक्सर का और बिना बीटर से एकदम परफेक्ट मिक्स हो जाएंगे। तो ये होता है कि आप लगातार इसको चलाते रहिए, तो कोई भी लम्स, एक भी लम्स नहीं होंगे, एक भी गुठली नहीं पड़ेगी, जिससे मिक्सर का यूज हम नहीं कर पाएंगे और परफेक्ट हमारी कुल्फी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड दोनों यूज नहीं करूंगी, ना मिक्सर का, सिर्फ हाथों के हेल्प से ही इसी स्टेज पे मैं लगातार चलाती रहूंगी, जिससे परफेक्ट एकदम हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं 1 मिनट के लिए रुकी नहीं हूँ, लगातार इसी तरीके से कर रही हूँ, जिससे कोई लम्स या गुठली ना पड़े और परफेक्ट मिक्स हो जाए। और जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उतनी रबड़ीदार कुल्फी बनेगी फ्रेंड्स। ये भी एक ट्रिक होता है, कभी आप यूज करके देखिएगा कि अगर लगातार आप इस तरीके से चलाते रहें 5 मिनट तक, तो एकदम रबड़ी वाली कुल्फी जो होती है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये जरूर एक बार ट्रिक आप अपनाइएगा।
तो हम बिना मिक्सर और बिना बीटर के हेल्प से ही एकदम रबड़ी वाली कुल्फी बनाएंगे। जो साइड साइड में लगा है फ्रेंड, इसको हम छोड़ाते रहेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से रबड़ी जमने लगी है, तो इसको इसी के अंदर हम मिक्स करते जाएंगे। दूध बिल्कुल काफी गाढ़ा होने लगा है, तो और 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है। 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं दूध आधा हो गया और इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ठंडा होने पे और भी ठीक होगा। और इस तरीके से देखिए चम्मच पे कोटिंग हो चुकी है, अभी गर्म है, ठंडा होने पे और गाढ़ा होगा। इस तरीके से हो जाए तो एकदम परफेक्ट है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। देख सकते हैं एकदम ठंडा हो चुका है और ठंडा होके कितना ठीक हो गया, परफेक्ट एकदम। इस तरीके से कोटिंग भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट है एकदम इस तरीके का, तो ऐसा ही होता है। तो परफेक्ट रबड़ी कुल्फी बन के रेडी होगा, तो इसको हम मोल्ट में ले जाएंगे। अगर कुल्फी मोल्ट है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ग्लास ले लिया है प्रॉपर, आपके पास जो ग्लास है तो उसमें डालिए, कुल्फी रबड़ी बन के रेडी हो जाएगा। इसे मैंने 3 ग्लास ले लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए कितना परफेक्ट एकदम मिक्स हो चुका है। ये ड्राई फ्रूट है फ्रेंड एकदम अच्छे से, तो इसी तरीके से हम 3 गिलासों में भर देंगे। देखिए आप जब इसे प्रॉपर चलाते रहेंगे तो मिक्सर में ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं परफेक्ट है, सिर्फ ड्राई फ्रूट गिर रहा है। तो इस तरीके से हमने भर दिया है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर तो इतना फाइन आया हुआ है। अंदर थोड़ा सा बच गया है तो मैंने छोटा गिलास अपनी गुड़िया का ले लिया, तो इसके अंदर हम डाल देंगे पूरा अच्छे से, तो परफेक्ट हो गया है, देख सकते हैं। इसे यहाँ पे फ्रेंड्स हम फ्रिज में कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट कर दीजिए तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम खुला नहीं रखेंगे, नहीं तो इसके ऊपर बर्फ जम जाएगा। तो इस तरीके से इसको, अगर एयर टाइट ढक्कन वाले हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कोई फॉल पेपर लगा लीजिए और इसको रबड़ से कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे को सील कर देती हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने एयर बंद कर दिया, जिससे कोई बर्फ इस पे जमे ना, अच्छे से एकदम जम जाएगी कुल्फी। तो हम इसको फ्रेंड्स 8 से ओवरनाइट के लिए इसको करते हैं फ्रीजर में सेट, उसके बाद मिलते हैं कल सुबह आपसे। देखते हैं फ्रेंड्स 7 से 8 घंटा हो गया है, तो आइसक्रीम जम चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो पहले हम हाथों से ऐसे कर लेंगे ताकि परफेक्ट एकदम गर्माहट हो जाए। गर्मी से देखिए हाथों से ये जो बर्फ है ग्लास के नीचे वो सब पिघलने लगे हैं। और इसके बाद हम एक नॉर्मल पानी लेंगे कटोरे में और इस तरीके से हम घुमा लेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से छूट जाए। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। तो इस तरीके से हमने घुमा घुमा के कर लिया है परफेक्ट, देख सकते हैं, जिससे कुल्फी जो है बिल्कुल इजी निकल जाएगी। इसको अब हम खोलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो जो हमने रबड़ उसको इसके ऊपर, देखिए कुछ भी बर्फ नहीं जमा है, आप देख सकते हैं कुल्फी कितनी परफेक्ट जम चुकी है। तो इसको हम निकालेंगे, एक चाकू के हेल्प से इस तरीके से घुमा लेंगे और आराम से हम निकालेंगे। देखिए आराम से निकल जाएगा, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आइसक्रीम जम चुका है। इस पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डेकोरेट करेंगे, थोड़े से पिस्ते हैं, बादाम हैं, जो चारों तरफ हम घुमा घुमा के कर लेंगे। इसको फ्रेंड्स हम काटना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल आसानी से होते हैं। कितना लुक, कितना टेस्ट, परफेक्ट हो चुका है कुल्फी, रबड़ीदार, मलाई, जायका जबरदस्त, जो बच्चे फैमिली पूरी इंजॉय करेगी। तो ईद आने वाली है, रमज़ान है, वैसे भी जब भी मन करे खाने का तो रबड़ी कुल्फी घर पे बनाइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।